हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडोज 10 को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज, इसके लिए आपको अपना फ़ोन रूट भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को बहुत ही आसानी से लैपटॉप कंप्यूटर बना सकते हो। गाइज, जितना फीचर हमें लैपटॉप में मिलता है कंप्यूटर में मिलता है, लगभग उतना फीचर आपको अपने स्मार्टफोन यानी एंड्रॉयड फ़ोन में भी मिल जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन पैनल हो गया, स्टार्ट बार हो गया और रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, दोस्तों इस तरह के सभी फीचर आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में मिल जाएंगे, जिनको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। क्योंकि गाइज, हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते करते बोर हो जाते हैं और दोस्तों काफ़ी सारे लोग नए नए लॉन्चर खोजते हैं, नए नए ट्रिक खोजते हैं कि गाइज जिससे वो बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन के लुक को चेंज कर पाएं। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन के लुक को चेंज करना चाहते हो, अपने फ़ोन को एक स्टाइलिश तरीके से चलाना चाहते हो, तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरजी टेक्निकल में, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए जानकारी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फ़ोन को हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज, हम आ गए फ़ोन को हम स्क्रीन पर। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से लैपटॉप कंप्यूटर बन चुका है और गाइज इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो जितने भी फीचर हैं, जितने भी यहां पे आपको आइकन वगैरह दिख रहे हैं, सभी विंडोज़ 10 का है। गाइज, यहां पे आपको दिस पीसी का ऑप्शन मिल जाता है जैसे विंडोज़ 10 में मिलता है। और गाइज, यहां पे आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं, आपका जो मेमोरी कार्ड है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी फोल्डर्स आपके मेमोरी कार्ड में हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। और गाइज, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर जितने भी फीचर दिए गए हैं सभी विंडोज़ 10 का है। अब गाइस, चलिए मैं आपको एक एक करके सभी फीचर के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो चुका है। जैसे विंडोज़ 10 में नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है, सेम उसी तरह यहाँ पर ओपन हुआ है। और गाइस, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरप्लेन मोड, फ्लैश, जितने भी फीचर आपको एंड्रॉयड के नोटिफिकेशन में मिलते हैं सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइस, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। और गाइज, ये जो कैलेंडर है बिल्कुल विंडोज़ 10 की तरह है, यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। गाइज, आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, स्पीकर यानी वॉल्यूम देख सकते हो, वाईफाई देख सकते हो, डेटा देख सकते हो, ब्लूटूथ देख सकते हो। तो गाइज, आप यहाँ से इसको डायरेक्टली ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अब गाइज, यहाँ पर हम इस सेक्शन पर चलते हैं, आपको यहाँ पर स्टार्ट मिल जाता है। जब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाते हैं। और गाइज, अगर आप यहाँ पे और भी एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हो तो गाइज आप यहाँ पे कस्टमाइज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद गाइज, यहाँ पे आप ये ऐप्स देख रहे हो, इनके बैकग्राउंड के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और गाइज, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, जिसका भी कलर आप चेंज करना चाहते हो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर कलर मिल जाएंगे। आप दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोटो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो गाइज, इसी तरह आप यहाँ पे ऐप को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको रिसाइकिल बिन का भी ऑप्शन मिल जाता है। गाइज, जो भी चीज़ें आप डिलीट करोगे वो डायरेक्टली रिसाइकिल बिन में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दिस पीसी पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी एक चीज़ यहाँ से डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फोटो को डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इस फोटो को डिलीट कर देते हैं। तो गाइज, हमारा जो फोटो है वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको कट करते हैं और रिसाइकिल बिन को ओपन करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डिलीट फोटो जो था वो रिसाइकिल बिन में आके सेव हो चुका है। आप इसको बहुत ही आसानी से यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो और गाइज ये अपने पुराने जगह पर जाके सेव हो जाएगा। तो गाइज, इस तरह आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है और गाइज काफ़ी स्मूथली काम भी करता है। अब गाइज, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। अब दोस्तों, इसके बाद आप यहां पे वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए गाइज, आपको यहां पे टच करना होगा और यहां पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। गाइज, आपको यहां वॉलपेपर पे क्लिक करना है और गाइज, यहां पे आप गैलरी को भी ओपन कर सकते हो और कंप्यूटर लॉन्चर के भी वॉलपेपर को भी सेट कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइलिश वॉलपेपर मिल जाएंगे, जिनको आप होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। अब गाइज, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए गाइज, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। तो गाइज, हमारा जो प्ले स्टोर है ये ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे सर्च करना है कंप्यूटर लॉन्चर और गाइज, आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा कंप्यूटर लॉन्चर प्रो का, आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइज, ये काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है। और गाइज, ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ 4 MB का एप्लीकेशन है।
आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। गैज इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो गैज उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।